बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से हिमालय नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, भारत देशस्य अर्थार्थ भारत देश के सुविस्तृतायाम सुविस्तृत उत्तरस्याम उत्तर दिशि दिशा में स्थितो स्थित गिरी अर्थात पर्वत। तो यहाँ तक समझ लीजिएगा, भारत देशस्य सुविस्तृतायाम भारत देश के सुविस्तृत उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में स्थितो गिरी स्थित पर्वत। पर्वतराजो पर्वतराज हिमालय इति हिमालय नामना नाम से जने लोगों द्वारा अभिधेयते पुकारा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, भारत देश के सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत पर्वतराज हिमालय नाम से भी जने लोगों द्वारा अभिधीयते पुकारा जाता है। अस्य इसकी महोचानी ऊंची शिखराड़ी महोचानी बहुत ऊंची अस्य महोचानी शिखराड़ी इसकी बहुत ऊंची शिखरें जगतः संसार के सर्वानपि सभी पर्वतान पर्वत को जयंती जीतने वाली हैं। अस्य मोहचानी शिखराड़ी इसकी बहुत ऊंची शिखरें जगतः सर्वानपि संसार के सभी पर्वतान जयंती पर्वतों को जीतने वाली हैं। अतएव इसलिए लोकायन लोग इसे पर्वतराजम पर्वतराज कथयन्ति अर्थात कहते हैं। इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि इसकी बहुत ऊंची शिखराड़ी शिखरे अस्य उन्नतानि इसकी ऊंची शिखराड़ी शिखरे सदैव सदैव हिमः अर्थात बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति आच्छादितानि अर्थात ढके रहना ढकी रहती है। अस्य उन्नतानि शिखराड़ी इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ शिखरें सदैव सदैव हिमः बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति ढकी रहती हैं। एत एवासे इसलिए इसका हिमालय हिमालय हिमगिरी त्यपि हिमगिरी चनाम और हिमगिरी नाम भी सुप्रसिद्धम प्रसिद्ध है। एत एवासे इसलिए इसका हिमालय इति हिमगिरी त्यपि चनाम इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट एवरेस्ट गौरी शंकर गौरी शंकर प्रभृतिनी इत्यादि एवरेस्ट गौरी शंकर इत्यादि। अस्य शिखराड़ी इसकी शिखरें जगती संसार में उन्नततमानि सबसे ऊंची संति हैं। एवरेस्ट गौरी शंकर इत्यादि इसकी शिखरें संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य इसके अधित्यकायाम ऊपर के समतल भाग पर अस्य अधित्यकायाम इसके ऊपर के समतल भाग पर पूर्णसता संपन्न पूर्णसता संपन्न त्रिविष्टप तिब्बत नेपाल नेपाल भूटान भूटान देशा देश। फिर समझ लीजिएगा, इसके अस्या इसके अधित्यकायाम
ऊपर के समतल भाग पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, कश्मीर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर प्रभृत्यः इत्यादि भारतीय प्रदेश संति हैं। लाइनिंग पर ध्यान देकर समझ लीजिएगा। इसके ऊपर के समतल भाग पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर इत्यादि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भागो अपि भाग भी उत्तर भारत का पर्वतीय भाव भी भाग भी हिमालय प्रांत में स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय प्रांत में ही स्थित है। आगे चलिए बच्चों। यह पर्वतराज भारत देश के उत्तर सीमा में स्थित। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित। तत् प्रहरी के तरह रक्षक के तरह शत्रुओं से सततम निरंतर रक्षा करती है। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से रक्षा करती है। हिमालय से ही समुद्गमय निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियाँ हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियाँ सतलज बिपाशा अर्थात बयास यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोसी प्रभृत्यः इत्यादि समझ लीजिएगा एक साथ। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से लगातार रक्षा करती है। हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियाँ सतलज बयास यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिक इत्यादि नदसच नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूम उत्तर भारत की भूमि को स्वीकेह अपने तीर्थोदर के तीर्थ जल से न केवल पुण्य करती है अर्थात पवित्र करती है। तो थोड़े यहाँ पे एक बार आप समझ लीजिए फिर से ताकि न भूलें। यह पर्वतराज भारतवर्ष के उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करती है। हिमालय से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदियाँ सतलज बयास यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोसी इत्यादि नदियाँ समस्त उत्तर भारत के भूमि को स्वीकृत अपने
तीर्थोदक है। तीर्थ जल से न केवलम पुनतति, न केवल पुण्य करती है, यहाँ तक समझ गए होंगे, अपितु बल्कि इमाम इसे सस्य श्यामलामपि अर्थात अन्न से हरी भरी कुर्वन्ति करती है, बल्कि इसे अन्न से हरी भरी भी करती है। आगे चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अस्य इसके पत्यकासु घाटियों में सुदीर्घा विशाल वनराज्य विराजन्ते विराजमान हैं। इसके घाटियों में विशाल वनराज्य विराजमान हैं। यत्र यहाँ विविधा विभिन्न औषधयो औषधि वनस्पत्य वनस्पतियाँ तरवश और वृक्ष तिष्ठन्ती हैं। फिर समझ लीजिए, इसके घाटियों में विशाल वनराज्य विराजमान हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाम औषधयः यह औषधियाँ जनान लोगों की आमेभ्यो रोगों से रक्षन्ति रक्षा करती है। इमाम औषधयः जनान यह औषधियाँ लोगों की आमेभ्यो रक्षन्ति रोगों से रक्षा करती है। तर्वश्च और वृक्ष आसंदा का मतलब होता है कुर्सी आदि, और वृक्ष कुर्सी आदि गृहोपकरणानि गृह उपकरण के निर्माणार्थम निर्माण में प्रयोजन्ते प्रयुक्त की जाती हैं। फिर समझ लीजिए, यह औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं, और वृक्ष कुर्सी आदि गृह उपकरण के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। हिमालय वर्षतो वर्षा में वर्षाकाल में दक्षिण समुद्र से हिमालय वर्षतो वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्तता उठने वाली मेघमालाओं को अरुध्य रोक कर वर्षणायत उन्हें वर्षा के लिए प्रवर्तयति प्रेरित करती है। फिर समझ लीजिए, लाइनिंग पे ध्यान दीजिए। हिमालय वर्षा काल में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करती है। आगे चलिए बच्चों। अस्यो इसके पत्यकायाम घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश स्विक्याभी अपने सुषमाभि सौंदर्य के कारण भूस्वर्ग के नाम से भी लोके संसार में अभिहितो भवति पुकारा जाता है। समझ लीजिए फिर से, इसके घाटियों में विद्यमान कश्मीर देश अपने सौंदर्य के कारण धरती के स्वर्ग के नाम से भी संसार में पुकारा जाता है। ततश्च और इसके पूर्वसाम दिशि स्थित पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध है। अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नाम का प्रसिद्ध अयम प्रदेश, यह प्रदेश रमणीयतया अपनी रमणीयता से केसाम किसके मनो को न हरती नहीं हरण करती है।
आज भी कुल्लू घाटी नाम का प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता से किसके मनों को हरण नहीं करती है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, प्रभृतिनी इत्यादि नगराड़ी नगरों से देशस्य देश के संपन्नान संपन्न जनान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादिव बलपूर्वक भ्रमणाय भ्रमण करने के लिए आकर्षयंती यह आकर्षित करती है। फिर समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा लाइनिंग पे, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगरों से देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण करने के लिए आकर्षित करती है। अभ्योपि इसके ही पूर्वसीमिन भागों स्थितः पूर्वी भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेशः रमणीय प्रदेश, इसके ही पूर्वी भाग में स्थित रमणीय प्रदेश कामरूपत्या अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण, कामरूप के इति संज्ञा नाम से अभिधीयते पुकारा जाता है। इसके ही पूर्वी भाग में स्थित रमणीय प्रदेश अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है। अब आगे चलिए बच्चों, इसके ही कंदरासु गुफाओं में तपस्यंतः तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों मुनियसच और मुनियों ने परम सिद्धियाँ प्राप्त किया। इसके ही गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धियाँ प्राप्त किया। अस्य इसके सिद्धिमता को विलोक्यैव देखकर ही अस्य सिद्धिमत्वम विलोक्यैव इसके सिद्धिमता को देखकर ही उपहरे गृणाम उपहरे पर्वतों की गुफाओं में संगमे च नदीनाम और नदियों के संगम में धिया बुद्धि से विप्रो अर्थात ब्राह्मण का अजायत जन्म हुआ। फिर से समझ लीजिए, इसके सिद्धिमता को देखकर ही पर्वतों की गुफाओं में और नदियों की संगम में बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ इत्यादि कथयंतः ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने अस्य महत्वम इसके महत्व को स्वीकृतवंतः स्वीकार किया है। फिर से समझ लीजिए, इसके सिद्धिमता को देखकर ही पर्वतों की गुफाओं में और नदियों की संगम में बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है। पुराणेषु पुराणों में सर्वविधनाम सभी प्रकार के सिद्धिनाम सिद्धियों को प्रदातु प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम शिव का स्थान अशिव पर्वतस्य इसके ही पर्वत कैलाश शिखरे इसके ही पर्वत पर पर्वत के कैलाश शिखरे कैलाश शिखर पर स्वीकृतमस्ति स्वीकार किया गया है माना गया है। फिर समझ लीजिए, पुराणों में सभी प्रकार के सिद्धियां प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसके ही पर्वत के कैलाश शिखर पर माना गया है।
अस्यो प्रदेशेषु इसके ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतिनी इत्यादि तीर्थ स्थान संति हैं। इसके ही प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतएव इसलिए पर्वतराजो अयम यह पर्वतराजो पर्वतराज हिमालय इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षकत्या रक्षक होने के कारण पालकत्या पालक होने के कारण सर्वोषि दिव्य संरक्षकत्या सभी प्रकार के औषधियों से संरक्षक होने के कारण सर्वसिद्धि प्रदातृत्याच और सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीयेषु जनेषु भारतीय लोगों में पर्वतराज है इति पर्वतराज के रूप में सुत्राम बहुत सम्राद्रितः सम्माननीय है। एक बार फिर समझ लीजिए, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण पालक होने के कारण सभी प्रकार के औषधियों से संरक्षक होने के कारण सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय लोगों में पर्वतराज के रूप में बहुत सम्माननीय है। बच्चों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के सभी विषय पर सभी टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।